Hey there guys, welcome back to the another episode of Pokemon X. पिछले एपिसोड में हम लोग यहाँ तक आ चुके थे, वो मैंने शॉर्टकट टनल का सीन नहीं दिखाया, लेकिन हम लोग यहाँ तक आ चुके थे। मैं यहाँ सब बैटल भी कर चुका हूँ। तो आज सिर्फ हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने सफ़र पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पहले जाएंगे आज ग्रिटलिंग केव की तरफ, और मेरे को जितना पता चला है ग्रिटलिंग केव में ही मेगा स्टोन मिलता है। और ये थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा होगा, बड़ा दिख रहा होगा और वाला छोटा दिख रहा होगा, तो एडिटिंग करते समय मैंने कुछ गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से ऐसा हो गया, लेकिन अगले वीडियो में से ऐसा नहीं होगा। तो चलो यहाँ से जाते हैं। यहाँ से जाए कैसे रास्ता, यहाँ से ऐसे, अच्छा ऐसे जा सकते हैं। चलो तब चलते हैं आगे। लीफ स्टोन मिला, लीफ स्टोन गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और ये एपिसोड थोड़ा छोटा बना रहा हूँ मैं। पोकेमोन एक्स के डेली एपिसोड डालने थे, इसके लिए मैं छोटा बनाया इस एपिसोड को। तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हैं, और मेरी थोड़ी वॉइस ख़राब भी आ रही होगी, तो सॉरी, मुझे फिर सर्दी हो गया, मेरा गला पूरा बैठ चुका है। और हम लोग इतने जल्दी एम्ब्रेट टाउन तक पहुँच गए। हे देयर नेबर, हू, ओ इट्स अरीना, दिस इज़ एम्ब्रेट टाउन। फॉसल लैब में जाना है हम लोग को। फर्स्ट वी शुड गो टू द फॉसल लैब, वी माइट इवन लर्न समथिंग अबाउट दोज मिस्टीरियस स्टोन्स। अच्छा, मेगा एवोल्यूशन के बारे में कुछ इस टाउन में पता चलेगा हम लोग को। पहले मेरे को हील की ज़रूरत है, मेरे पोकेमोन के अच्छे से वाट लगी होगी। चलो फट से हील करते हैं पहले। चलो 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 चलो। और गाइस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे स्नोरलैक्स को टीम में रखना चाहिए कि नहीं। और एक है मेरे दोस्त पोकेमोन गेमर एक्स, उन्होंने मुझे बोला एक एजी स्लैश पकड़ लो, तो भाई मुझे एजी स्लैश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पोकेमोन है अच्छा, मुझे पता है, लेकिन वो पोकेमोन इतना बेटर नहीं लगता मेरे को। तो मैंने पिछले टाउन में कुछ कपड़े खरीदे थे वो लूमियो सिटी में जाके, तो कुछ मिले कि नहीं देखते हैं पहले। ए व्हाट, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, ये कैसा हो सकता है? मैंने वहाँ जाके कपड़े तो खरीदे थे, शिट क्या हो गया, ये यहाँ कपड़े ही नहीं आ रहे। गाइस व्हाट वी कैन डू दिस टाइम, एग्जिट करते हैं पहले, मैं फिर जाके देख के आऊँगा, मुझे कपड़े मिले ही नहीं। तो चलो यहाँ से आगे जाते हैं वो फॉसल लैब की तरफ, इससे बात करते हैं पहले। और बात कर, ए देर, ओ रॉक स्मैश इसने दिया, ओ शिट, रॉक स्मैश इधर मिला है, मैं ध्यान ही नहीं दिया रॉक स्मैश है मेरे पास। मुझे अभी एक स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ मुझे ढूंढना पड़ेगा। रॉक स्मैश का तो पता चल गया किधर है। चलो पहले उधर जाते हैं, ये मुझे स्केट्स के बिना चलाने नहीं आ रहा है, बहुत अजीब सेटिंग्स है। चलो बात करते हैं इससे। अच्छा, इसको पॉकी बॉल देंगे तो हमें डाइव बॉल देगा। चलो एक डाइव बॉल मिल गया हम लोग को। हे गाइस, वी गेट द डाइव बॉल। ये घर में जाते हैं पहले, पहले ये घर में जाएंगे, इससे बात करेंगे। आई एम अ वेरी पर्टिकुलर रूट फाइव इज अ ग्रेट स्पीड, भाई बहुत तेज बोलते लोग, बहुत तेज। मैं भी फटाफट खेलते समय ध्यान नहीं देता कि मुझे यहाँ से पढ़ना है। चलो यहाँ से पढ़ के क्या मतलब मिलेगा, वैसे भी तो ये मेन मेन जगह में सिर्फ अब पता करना है ना कि क्या क्या है। चलो जाते हैं नीचे, नीचे जाएंगे, इससे बात करेंगे, इससे बात करते हैं, इससे बात करते हैं।
और चलो अंदर जाते हैं, ये तो एक होटल लग रहा है मुझे पूरा। बात करते हैं, वेलकम टू द होटल एम्बेटिया एम्बेटिया, कस्टमर्स आई हैड फॉर फ्रेयो। ओफ फॉर फ्रेयो एस, इसका नाम क्या था, जेस्पी नहीं है, क्या नाम था इसका, एस्पियर, हाँ एस्पियर। 90 40 96 जेट नेचर पावर दे इसने। चलो इसलिए गाइस कोई भी पोकेमोन गेम में आप घर में घुस के सबसे बात कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। चलो यहाँ इनसे बात करते हैं, क्या दे रहे हो, चेक इट आउट, हाँ चेक इट आउट, आई नेवर ड्रॉप द बॉल्स। अच्छा इसने कुछ भी नहीं गिरा है अपना, यहाँ पर कमरा ही खाली है। अरे ये ओ पावर देते ना, आई एम अ मिस्टर बॉन्डिंग द एक्सपर्ट ऑन ओ पावर, लेट मी आस्क यू जस्ट डू नो हियर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पावर, ओ पावर इज ये कुछ तो दिया, स्पेशल डिफेंस पावर लेवल में ओ पावर चालू किधर से करते हैं, मुझे यही नहीं पता अभी तक। चलो जाते हैं नीचे नीचे नीचे, और गाइस क्यू एन ए में मज़ा आया कि नहीं, मेरे नहीं पोकेमोन गेमर एक्स जेड के क्यू एन ए में मज़ा खूब आया रहेगा। मैंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे और ट्राई किया फेस रेवल करने का उनका, लेकिन शायद से अभी नहीं करेंगे फेस रेवल, 101 सब पे कौन फेस रेवल करता है। चलो अंदर जाते हैं फसल में, और ये स्क्रीन की वजह से मुझे बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, मैंने बहुत ख़राब कर दिया अपना पूरा वीडियो वाला। यहाँ पर खड़े हैं ए हे सरीना, ए सरीना हे नेबर, टिंग वेलकम फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट, यू हैव बीन ड्रॉ हेयर बाय द मिस्टिकस और फॉसल नो डाउट, माई नेम इज सरीना एंड दिस इज राज, वी आर रिसर्चिंग मेगा एवोल्यूशन एंड वी आर वंडरिंग इफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट। ओ सो यू आर प्रोफेसर सिकामोर स्टूडेंट, आई हैव हर्ड अबाउट यू, मेगा एवोल्यूशन यू से, आई एम सॉरी बट ऑल आई नो इट इज इट हैज आई एम सॉरी बट ऑल इट इज हैज समथिंग टू विथ मेगा एवोल्यूशन, स्टिल सिंस यू आर स्टूडेंट ऑफ द प्रोफेसर यू मस्ट नो अबाउट पोकेमोन फॉसल करेक्ट, येस हमें पता है फॉसल्स के बारे में, वंडरफुल आई एक्सपेक्ट नो लेस फ्रॉम प्रोफेसर सिकामोर स्टूडेंट, दैट्स राइट फॉसल आर लेगेसी और प्री हिस्टोरिकल रिजर्स, यू शुड रियली गो टू द डिग साइड एंड सी द रियल थिंग, ओ आई सी, वेल इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेगा एवोल्यूशन देन होल्ड ऑन, पोकेमोन दैट कैन बी रिस्टोर्ड फ्रॉम फॉसल जस्ट मे हैव हम समथिंग टू विथ मेगा एवोल्यूशन, द असिस्टेंट इज ग्रेटलिंग केव राइट नाउ माइट नो अबाउट दैट। अच्छा हमें ग्रिटलिंग केव में जाना पड़ेगा, वॉट शुड आई डू, वेल सिंस आई एम ऑलरेडी हियर मे आई वी गो टॉक टू दैट असिस्टेंट, येस आर यू गोइंग टू द ग्रिटलिंग केव हर्ष, येस आई एम गोइंग टू द ग्रिटलिंग केव। चलो गाइस ग्रिटलिंग केव में जाते हैं फटाक से, यहाँ से पहले पोकेमोन देख ले, हालत मेरा ये वाला स्क्रीन कुछ ज़्यादा ही ब्लर आ रहा था, सॉरी यार मैं एडिटिंग करते समय मैं कुछ गलती कर दिया, और मैं फिर जब वॉइस डालने गया तब मुझे पता चला कि हाँ ये मैंने गलती कर दी है। इससे बात करते हैं राइहोन रेस इसी में करना पड़ेगा ना हम लोगों, बैठ क्यों गया मैं, ये ट्रेस्ट एमपीटी है, एमपीडी याद है एमपीडी, अरे पोकेमोन सॉर्ड का पोकेमोन ग्रिम्सनाल का छोटा स्टेज एमपीडी। इससे बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रही है, इससे बात करते हैं, अरे रॉकी हेलमेट दिया इसने हम लोग को, रॉकी हेलमेट। चलो नीचे जाते हैं यहाँ से, ये देखो रायहॉन, ये हमारा गुल्लू मुल्लू रायहॉन,
चलो बैठते हैं इसके ऊपर। कैसे बैठते वैसे? ओ ए प्रेस करने का उसके पास जाके। चलो चलती हूँ। ये देखो क्या थुदुला शरीर है, देखो कैसे मुड़ता है। ए गलू मलू इसका चमड़ी क्या मस्त है, सब ऐसे हिलता हिलता रहता है। और मैं कंट्रोल संभाल नहीं पा रहा हूँ गाइस, ऐसे कैसे जाऊँ? आई डोंट नो। अरे ये पोकेमोन इनकाउंटर हुआ, कौन सा सड़क वो पोकेमोन आएगा? हिप्पोपोटास। ओ सॉरी गाइस, किसी का ये फेवरेट पोकेमोन होगा तो मुझे हिप्पोपोटास उतना नहीं पसंद है। हिप्पोपोटास रन करते हैं पहले इससे, और हमारे पास रिपील होगा तो हम रिपील पी लेंगे। और मुझे मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, मैंने इतनी ख़राब एडिटिंग की है। आप लोगों को साइड का कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, पूरा ब्लर दिख रहा होगा ना। इट्स माय फॉल्ट गाइस, इट्स माय फॉल्ट। वेयर इज द रिपील? मुझे रिपील नहीं मिल रहा है। पोकीबॉल है, पोशन है, बेरीज इन्फेक्शन है, यहाँ पर टीएम से बैरीज है, टाउन मैप पोकीबॉल। लगता है रिपिल ख़त्म हो गया होगा, मैंने फॉरेस्ट नहीं ख़त्म कर दिया रहेगा। गाइस आई डोंट नो कैसे जाना है, तो मैं फिर पीछे आता हूँ। मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अरे यहाँ से जाऊँ कैसे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें। आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो। पीछे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, कैसे जाऊं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आई डोंट नो। फिर पोकेमोन इनकाउंटर हुआ, मैं यहीं पर टाइम पास कर रहा हूँ। फिर से हिप्पोपोटास। और गाइस आप लोग सच में मेरी वॉइस इतनी पसंद है कि मैं पोकेमोन गेमर्स डेट के लाइव स्ट्रीम में मैं गया था, वो तो मैंने पूछा था अपने वीडियो पे, तो उन्होंने बताया था मेरी वीडियो उनको देखना क्यों पसंद है कि मेरी वॉइस अच्छी है, और मुझे बात करते करते रास्ता मिल गया। गाइस देखो टैलेंट है भाई का टैलेंट। चलो आगे जाते हैं, मैं समझ गया थोड़े कंट्रोल्स इसके, जो बटन प्रेस करेंगे उस पर अपने राइहॉर्न को चलाते रहने का। राइहॉर्न राइहॉर्न, और मेरे को राइहॉर्न वाले रेस में ये गड़बड़ी करनी थी। ग्रिडलिंग टेम में लेकिन ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अपना एडिट के टाइम पे बार देख लूँगा। चलो चलो हो गया, फुद्दी कहीं का फुद्दी सा राइहॉर्न है ये, कैसे चलता रहता है। जो बीबी के वाइन देखता रहेगा उसको पता रहेगा फुद्दी का मतलब, यू नो गाइस द मीनिंग ऑफ फुद्दी। चलो इसको यहाँ उतारते हैं। अरे उतरूँ कैसे मैं अब, ऐसे ऐसे तो नहीं उतर है। एस प्रेस करने का, अब समझा, एस प्रेस करूँगा तब उतर पाऊँगा मैं। पोकेबॉल ले रहे हैं या क्या है? एक्स डिफेंस, एक्स डिफेंस के लिए हम इतना दूर आए गाइस। वडू 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 दात्या बसात। तो गाइस वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दात्य बसात? तो मुझे ये प्रनाउंस नहीं करने हो रहा, दात्य बसात। तो और गाइस प्लीज़ प्लीज़ प्रॉपरली बताओ को ARK की सीरीज चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं जैसे लेवल 10 पे पहुँचूँगा अपने ARK में तो मेरा पहला एपिसोड आएगा, तो मैं ट्राई करूँगा इसके साथ ARK भी खेलने। और ये भाई पोकेमोन का नाम क्या था, कुछ तो सैंडाइल ऐसे ही कुछ था ना, हाँ सैंडाइल सही पोकेमोन है यार, ग्राउंड टाइप, लेकिन नहीं रख सकते इसको। मुझे ग्राउंड टाइप में अभी जो फॉसल मिलेगा उससे जो पोकेमोन रिस्टोर करूँगा वो मैं सोच रहा रखूँगा। टायरेंट, मैं स्पॉयलर्स दे दिया हूँ गाइस, आप आगे का पोकेमोन गेस कर सकते हो। टीरेंस जैसा दिखता है पोकेमोन वो, और ये क्या ग्लिच हुआ, मैं यहाँ फंस गया? नहीं 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 ग्लिच था, ग्लिच पैरालाइज हील।
What do we get a paralyzed heel, boys? चलो यहाँ से जाते हैं, ये बैठने दे मेरे को, ये थुलथुले रायहोन रायहोन अगर ऐसा करेगा तो मेरे साथ अभी मेरे को बैठाएगा नहीं। अच्छा रायहोन, मैं फिर कंफ्यूज हो गया हूँ गाइस, मैं क्यों गलती कर रहा हूँ यहाँ पर, अब समझा मैं कहा। लेकिन रायहोन एकदम मारता है सर पे, देखो कैसे तोड़ देता है, पूरा पत्थर के टुकड़े कर देता है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नो गाइस, नो नो नो, ये क्या हो रहा है, एक और सैंडाइल, इसका फेवरेट पोकेमोन सैंडाइल, सैंडाइल इसकी आवाज़ वैसे कैसे निकलती है, मैं क्योंकि कालोस रीजन के एनिमी अभी दो तीन दिन से देख रहा हूँ, ऐश ने अभी तक सैंडाइल नहीं पकड़ा है। ए ऐश सैंडाइल इसी में पकड़ता है, कालोस में पकड़ता है या किस में पकड़ता है, आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो। चलो जाते हैं फट से यहाँ पर, रुकते हैं फिर एक ग्रिडलिंग केव में जाएंगे, बैठ जा रहे हॉन। तो दैट इज़ फॉर द एंड ऑफ दिस एपिसोड गाइस, अगले एपिसोड में हम केव को एक्सप्लोर करेंगे, ग्रिडलिंग केव को। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, तो अब बाय गाइस, पीस आउट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और ये एडिट थोड़ी अगले बार से सही हो जाएगी।